हाय एवरीवन वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट्स सो हम यहाँ पे जो है क्लास इलेवन की जो एन है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड उसका जो है इलेवेंथ चैप्टर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था जो कि लास्ट चैप्टर है इस पर्टिकुलर बुक का एंड इस पे जो है हम बात कर रहे थे अबाउट दी जापान एंड दी चाइना एंड हमने यहाँ पर जापान के बारे में हर एक आस्पेक्ट को कवर किया है एंड आज जो जापान जो है एक डेवलप्ड कंट्री है किस तरह से जो है अपनी इकोनॉमी को इन्होंने मेंटेन रखा था वो सारी चीजें हमने कवर की थी एंड इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैड स्टार्टेड कवरिंग अबाउट दी चाइना राइट तो चाइना की हिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पे देख रहे थे कि इनकी सोसाइटी किस तरह की थी एंड किस तरह से जो है ना ये अपने आप को बचाती हैं फॉर दी कॉलोनियलिज्म कि ये जो कोशिश करते हैं कि थोड़े बहुत एरिया जो थे राइट वो तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर कर लिए थे इनके चाइना के बट अभी ये कोशिश करती हैं कि हमारा जो बाकी एरिया है उसे किस तरह से बचाया जा सके तो कई सारे रिफॉर्म्स यहाँ पे लाए जाते हैं जब वर्ल्ड वॉर टू में चाइना ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था बट फिर भी जो है ब्रिटिशर्स अपने वादे पे जो है खड़े नहीं उतरते हैं तो चाइना में जो है लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें जो है ना एक तरह से अपने आप को कॉलोनाइजेशन से जो है बचाना है तो कौन कौन से रिफॉर्म्स यहाँ पे लाने चाहिए तो वो यहाँ पे कोशिश की जाती है डिफरेंट पार्टीज यहाँ पे आती हैं एंड आफ्टर डैट जो है हमने बात की थी कि किस तरह से यहाँ पे सी पार्टी जो है वो यहाँ पे राइज होती है एंड वो कई सारी रिफॉर्म्स लेके आती हैं उनका बेस यहाँ पे रूरल सोसाइटी के ऊपर होता है वो एग्रीकल्चर के लिए काम करते हैं लैंड्स के लिए काम करते हैं यहां पे तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं एंड अब हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट इस्टेब्लिशिंग दी न्यू डेमोक्रेसी तो 1949 से लेके 65 के बीच में यहाँ पे कौन कौन से इवेंट्स हुए थे तो एक डेमोक्रेसी जो है न्यू डेमोक्रेसी किस तरह से यहाँ पे इस्टेब्लिश की जाती है माओ के बाद में यहाँ पे सी के बाद में जो है एक तरह से कौन सी नई पार्टी यहाँ पे आती है जो कि न्यू डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करती है उसके बारे में बात करते हैं सो so, यहाँ पे द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट सी के बाद में जो है अब यही आते हैं द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट जो है 1949 में इस्टेब्लिश की गई थी एंड ये जो है ना न्यू डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के ऊपर पेश थी एंड न्यू डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जितनी भी सोशल क्लासेज है ना उनका अलायंस होगा एंड uh, उसके अलावा यहाँ पे क्रिटिकल एरियाज थे जैसे इकोनमी के वो जो है गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर जो है ले लिए जाते हैं एंड प्राइवेट एंटरप्राइज एंड प्राइवेट ऑनरशिप जो होती है लैंड की उसे टोटली totally खत्म कर दिया जाता है एंड ये वाला जो प्रोग्राम है ना ये however, 1949 से लेके 1953 तक जो है कंटिन्यू रहता है उसके बाद में गवर्नमेंट जो है ये डिक्लेयर करती है डेट की अब जो है ना एक नया प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा जिसे हम जो है सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं तो फिर ग्रेट ली फॉरवर्ड मूवमेंट जो है वो लॉन्च की जाती है नाइनटीन 1958 में एंड इट वाज ए पॉलिसी टू गैलवेनाइज दी कंट्री टू दी इंडस्ट्रियलाइज रैपिडली अब जो है ना यही पॉलिसी होती है कि कंट्री को जो है ना इंडस्ट्रियलाइज करना है वो भी रैपिडली तो इंडस्ट्री के ऊपर जो है अभी ये ज्यादा फोकस करती हैं तो जो लोग थे ना यहाँ के उन्हें इनकरेज किया जाता है कि आप स्टील फर्नेसिस जो है ना अपने बैक में मीन घरों के पीछे भी जगह खाली होती है ना वहां पर स्टील फर्नेसिस जो है वो आप बना लें एंड रूरल एरियाज में जो पीपल कम्यून्स होते हैं ना पीपल कम्यून्स का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं गांव के जो कि कंबाइंडली किसी पर्टिकुलर लैंड को ऑन करते हैं तो उन्हें बोला जाता है कि आप अपनी लैंड के ऊपर भी जो है ना Uh, एक तरह से uh, 1958 में दू ट्वेंटी सिक्स कम्यून्स थे राइट right? उन्हें भी बोला जाता है कि आप जो है स्टील फर्नेसिस अपनी लैंड के ऊपर यहां पे लगाए तो 1958 में 26,000 कम्यून्स जो यहाँ पे अवेलेबल थे कवरिंग दाइनटी 98 परसेंट ऑफ पॉपुलेशन राइट सो माओ वाज़ एबल टू मोबिलाइज दासन दी गोल सेट बाई दार्टी हाउ एवर माओ जो था राइट right, वो जो है एक तरह से एक, वो मासस को मोबलाइज कर पाता है इजीली जो भी पार्टी के द्वारा जो गोल्स थे वो सेट किए गए थे उनका मेन कंसर्न यही रहता है वाज विद क्रिएटिंग अ सोशलिस्ट मैन कि हमें जो है एक सोशलिस्ट मैन बनाना है जिसके जो है फाइव फीचर्स होंगे पहला तो फादरलैंड के ऊपर की तरफ जो है उसका प्यार होगा पीपल की तरफ जो है फोकस होगा जो उनकी देश की जनता होगी लेबर की तरफ एंड साइंस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी इनकी तरफ जो है हमें यहाँ पे फोकस करना है तो एक तरह से मास ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो भी फार्मर्स के लिए क्रिएट की जाती हैं वुमेन के लिए स्टूडेंट्स के लिए या फिर कुछ और भी ग्रुप्स जो होते हैं उनके लिए भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं फॉर एग्जाम्पल ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वुमेन फेडरेशन जो है वो बनाई जाती है जिसके अराउंड सेवेंटी मिलियन मेम्बर्स थे इसके अलावा दी ऑल चाइना स्टूडेंट्स फेडरेशन बनाई जाती है जिसके 3.29 मिलियन मेंबर्स थे राइट सो हाउएवर ये जो ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स थे डिड नॉट अपील टू एवरीवन इन दी पार्टी तो ये जो ऑब्वियसली ऐसा होता है कि एक पार्टी में कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि किसी लीडर के व्यूज को सपोर्ट नहीं करते हैं उनके व्यूज थोड़े से डिफरेंस होते हैं तो ऐसा ही भी ऐसा ही यहाँ पे होता है क्लैश हो जाता है एक ही पार्टी के लोगों के बीच में उनके व्यूज को लेके व्यूज में मतभेद आ जाता है सो नाइनटीन फिफ्टी से लेके 54 के बीच में कुछ यहाँ पे ये अर्ज कर रहे थे डैट सम वर अर्जिंग फॉर मोर अटेंशन टू द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ वो बोलते कि यहाँ पे ज्यादा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ही अटेंशन दी जा रही है सोसाइटी के ऊपर नहीं की जा रही है एंड uh, उसके अलावा दो पर्सन थे लियू शोची एंड देन जियापिंग वो कोशिश करते हैं कि ये जो कम्यून सिस्टम है ना कि जो है कुछ ग्रुप्स मिलके यहाँ पे पर, एक कोलेक्टिवली लैंड को ऑन करते हैं उसे मॉडिफाई किया जाए क्योंकि जो है ये इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है एंड उसके अलावा वो बोलते कि बैकयार्ड में जो फर्नेस बनाई गई हैं घरों में वो जो है ना अनयूजेबल है इंडस्ट्री के लिए राइट right? की जो है वो अनयूजेबल इंडस्ट्रियली है कि जो है उन उस स्टील को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं इंडस्ट्री में

से उनके खिलाफ कि उन्हें जो है किस तरह से यहाँ पे दबाया जाए क्योंकि माओ जो थे वो जो है बस इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना चाहते थे इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना चाहते थे बट हाउवर पार्टी में उनके खिलाफ भी कुछ पर्संस थे तो उन लोगों को दबाने के लिए उन्हें काउंटर करने के लिए ये जो है प्रोलेटेरियन कल्चर एवोल्यूशन लेके आती हैं सो रेड गार्ड्स मेनली जो स्टूडेंट्स थे एंड आर्मी थे राइट right? उन्हें जो है इस कैंपेन के लिए यूज किया गया था एंड फिर स्टूडेंट एंडल उन्हें जो है आम मासेज से जो है कई चीजें समझने के लिए जो है वहां पे भेजा जाता है कंट्री साइड में एंड आइडियोलॉजी वॉज मोर इम्पोर्टेंट दैन हैं कि आइडियोलॉजी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इनके व्यूज थे माओ के एंड डिनाउंसिएशन एंड स्लोगन्स जो हैं रिप्लेस द रेशनल डिबेट जो पहले रेशनल डिबेट चलती थी तर्क के ऊपर उसकी जगह पे स्लोगन्स को जो है फोकस किया जाता है एंड दी कल्चर एवोल्यूशन की वजह से जो है ना एक तरह से फिर से टर्मोइल यहाँ पे चाइना में देखने को मिलता है जिसकी वजह से जो पार्टी है वो वीकेंड हो जाती है एंड इकोनमी एंड जो एजुकेशन सिस्टम है ऑब्वियसली वो यहाँ पे इफेक्टेड होता है सो फ्रॉम दी लेट नाइनटीन सिक्सटीज दी टाइट बिगेन टू टर्न नाइनटीन से फिर थोड़ा सा और चेंजेस यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाते हैं एंड नाइनटीन में फिर से इनके जो है आइडियोलॉजी चेंज होती है पार्टी की पार्टी जो है दोबारा से ग्रेटर सोशल डिसिप्लिन के ऊपर जो है फोकस करना स्टार्ट कर देती है एंडस्ट्रील तो इकॉनमी जो है वो बिल्ड करनी हो सो देट चाइना पावर बिफोर देंचुरी की हमें जो है चाइना को पावर बनाना है बिफोर द एंड ऑफ देंचुरी तो नाइनटीन सेवन से कुछ और रिफॉर्म यहाँ पे लाए जाते हैं सो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग जो यहाँ पे चल रही थी चाल चल रही थी पॉलिटिक्स के बीच में उसकी जगह पे यहाँ पे जो है ना उसके साथ साथ कल्चर रेवोल्यूशन भी आता है मीन कल्चर को भी चेंज करने की कोशिश की जाती है सो so, क्या था यहाँ पे डेंग ज्योपिंग जो है वो पार्टी का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं वाइल इंट्रोड्यूसिंग अ सोशलिस्ट मार्केट इकॉनमी वो बोलते हैं कि एक सोशलिस्ट मार्केट इकोनमी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी होगी फॉर मॉडर्नाइजेशन हमें यहाँ पे लानी होंगी मीन फॉर एरियाज में साइंस को डेवलप करना है इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर को एंड डिफेंस को हमें जो है डेवलप करना है डिबेट हाउ एवर यहाँ पे अलाउ कर दी गई थी बट जब तक पार्टी को यहाँ पे क्वेश्चन ना किया जाए मीन डिबेट में जो है पार्टी के काम के ऊपर क्वेश्चनिंग नहीं होनी चाहिए सो so, थोड़ा सा यहाँ पे लिबरेट क्लाइमेट चाइना में देखने को मिलता है तो ऑब्वियसली जब लिबरेट क्लाइमेट यहाँ पे देखने को मिलता है डिबेट को लेके तो नए आइडियाज यहाँ पे एक्सप्लोर होंगे ही होंगे फिर उसके बाद में फिफ्थ मॉडर्नाइजेशन भी आती है जिसमें जो है वो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी भी हमें यहाँ पे लानी होगी तो डेमोक्रेसी के बिना ये जो चार मॉडर्नाइजेशन है ना साइंस इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एंड डिफेंस की वो किसी काम की नहीं है। है 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 ये जो है, CCP को जो है, जो जो पे पार्टी थी इनकी तो उससे जो है, फिर ये क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं कि पॉवर्टी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है सेक्सुअल जो एक्सपोर्टेशन होती है उस प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व नहीं किया है एंड सप्रेस्ड

वो यहाँ पे अपनी डिमांड्स भी रखनी स्टार्ट कर देते हैं कुछ यहाँ पे पार्टी को भी क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो स्टूडेंट जो है ना डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे करनी स्टार्ट कर देते हैं तो उन्हें फिर बीजिंग में जो है काफी ब्रूटली रिप्रेस भी किया जाता है एंड इस चीज को जो है अराउंड वर्ल्ड फिर जो है कंडेम भी किया जाता है ओके जब डिबेट को जो है ये अलाउ कर देती हैं तो सो द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड हैज सीन द एमरजेंस ऑफ डिबेट्स ऑन द देश टू डेवलप चाइना तो ये भी एक नया आइडिया जाता है कि एक नई डिबेट्स यहाँ पे इमर्ज होती हैं कि चाइना को किस तरह से डेवलप किया जाए सो द डोमिनेंट व्यू सपोर्टेड बाय द द पार्टी इज बेस्ड ऑन बाई पॉलिटिकल कंट्रोल तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंट्रोल होना चाहिए इकोनॉमिक लिबराइजेशन यहाँ पे होनी चाहिए एंड वर्ल्ड मार्केट की तरफ हमें जो है इंटेग्रेट होना होगा तभी हम जो है अपनी चाइना को डेवलप कर सकते हैं सो क्रिटिक्स आर्ग्यू डैट इंक्रीजिंग इनइक्वेलिटीज बिटवीन द सोशल ग्रुप्स में जो इनइक्वलिटीज है ना यहाँ पे सोशल ग्रुप्स के बीच में उन्हें हमें जो है खत्म करना होगा बिटवीन दी रीजन एंड बिटवीन मैन एंड वूमन आर क्रिएटिंग सोशल टेंशन इनकी वजह से यहाँ पे जो ना सोशल टेंशन हो रही है एंड क्वेश्चन दी हैवी इंफेसिस ऑन दी मार्केट तो वो बोलते है कि ज्यादा कोशिश जो है इन्होंने मार्केट के ऊपर ही की है ज्यादा इंफेसिस इन्होने मार्केट के ऊपर ही दिया है तो वो चीज थोड़ी सी हटा के हमें जो है थोड़ा सा सोसाइटी के ऊपर ही जो है फोकस करना होगा सो फाइनलीर इज अ ग्रोइंग रिवाइवल ऑफ अर्लियर सो कोल्ड ट्रेडिशनल आइडिया तो फिर दोबारा से जो है ट्रेडिशनल आइडिया जो थे कंफ्यूजिक वो थोड़े से दोबारा से आने यहाँ पे सोसाइटी में स्टार्ट हो जाते हैं एंड एक और आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाते हैं डेट की चाइना कैन बिल्ड अ मॉडर्न सोसाइटी चाइना जो है ना अपने आइडियाज जो थे इनके जो ट्रेडिशनल आइडियाज हैं उनके ऊपर बेस्ड रह के अपने अलग ट्रेडिशन बना सकते हैं उसी के ऊपर जो है मॉडर्न सोसाइटी वो बन सकती है रेदर देन सिंपली कॉपिंग दी वेस्ट ऐसा नहीं कि हम वेस्ट के ही जो आ, एक तरह से आइडियाज है उन्हें कॉपी करके ही मॉडर्नाइज होंगे राइट तो ये चीजें हमें यहां पे देखने को मिलती है सो विल कंटिन्यू विद सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें थैंक यू सो मच अ नाइस डे बाय